अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ दही फुलकियाँ, जिसको पंजाबी में दही भल्ले कहते हैं, लेकिन कराची में हम लोग इसको दही फुलकियाँ कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड सी। ये दही था जो मैंने घर जमाया हुआ था, जिसमें ला रहा मान रही हूँ। आप लोग ज़ार का भी यूज़ करना आपकी मर्ज़ी है, ये मैंने घर जमाया हुआ था जिसमें ला रहा मान रही तकरीबन ये आधा किलो दही है। आप अपनी मर्ज़ी है किलो बना लें, आप क्वान्टिटी पे हिसाब से है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें दही डाला आधा किलो, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, ये आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चटनी जो मैंने घर बना के रखी थी, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, वो बहुत जल्द आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसको मैं बीट करूंगी अच्छे तरीके से, तभी हम इस पॉइंट पर हम लोग ना नमक टेस्ट कर लेंगे। हाँ जी, नमक इसमें बिल्कुल ठीक है। अब इसमें मैं इसको हल्का सा वो डालूंगी, इसमें बॉइल्ड वाटर 2 to 3 टेबलस्पून। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये आलू, मैंने काट के रखे हुए थे 2-2 दरमियाने बारीक बारीक बॉईल करके, ये इसमें ऐड करूँगी मैं, इसमें डालूँगा साथ ही फुलकियाँ भी ऐड कर देंगे। और इसकी रेसिपी मैं आपको दे देती हूँ। बेसन में सबसे पहले आपने जो है वो डालना है नमक, थोड़ी सी पेपरिका पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, थोड़ा सा सूखा धनिया डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसको एक साइज़ ले लेना, इसका स्पून्स का जो भी साइज़ है आपके पास अवेलेबल वो आपने ले लेना इसका, और उसके बाद जो है वो उसका एक ही पैमाना मुकर्रर करके मिकदार, तो आपने उसको ना मीडियम से लो फ्लेम पे ऑयल गरम करके उसमें फ्राई कर लें, और बेसन के साथ आपने इसमें थोड़ा सा जो है ना 1 teaspoon मैदा भी डाल देना। उसके बाद आप इसको जो है सुखा भी सकते हैं धूप में, उससे फिर इसकी लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, 1-1.5 months या किसी भी अच्छी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छी बेकरी की। ये तैयार है, इसको मैं गार्निश करूँगी। टमाटर मैंने छिलका उतार के काटा हुआ है 1 अदर, और ये प्याज है मैंने 1 अदर दरमियाना काट के, इससे ना इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको जो है ना फ्रीज़र में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए बारीक काट के, तो इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी स्मेल। चाट मसाला और दही फुल की मसाला, या आप होम मेड भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास होम मेड नहीं था, एक्चुअली मैं शिफ्टिंग की है तो जिसकी वजह से मैंने इसको होम मेड नहीं बनाया।
ऐड करूँगी। ये भी मेरा जो है वो मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छी शॉप है हमारे यहाँ, और खुद से बना के पीसते हैं तो मैं उनसे ही लेके आई हूँ। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, जिनके पास है वो बना वो डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने मार्केट का डाल दिया। और हरी मिर्च आपकी मर्ज़ी है कि मेरे साथ बच्चों ने खाना है, इसलिए मैंने इसमें जो है वो ग्रीन चिली नहीं डाली, आपकी मर्ज़ी आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो अभी जाकर सब्सक्राइब करें ताकि नई जो है नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।